अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान नादिया हसन। आप देख रहे हैं डी के न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। खबर शामिल करते हैं खुशाब के नवाही गांव कट्ठा मसराल से, जहां पर कोयला माइंस ने एक और मां की गोद उजाड़ दी। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा मुश्ताक अहमद से। जी राजा मुश्ताक जी। नादिया, कल दिन 1 बजे के करीब कट्ठा मसराल पहाड़ी में मौजूद तैयब कोल माइंस पर करक का रहायशी गुल हसन जान की बाजी हार गया। माइन के अंदर से कोयला निकालने के लिए जो ट्रेन इस्तेमाल की जाती है, इसका रस्सा टूट जाने की वजह से मैन मजदूर गुल हसन और इसके 3 गद्दे भी मौके पर हलाक हुए। लेकिन बदकिस्मती से इस मजदूर की कोई भी इंश्योरेंस नहीं थी और इस मैन पर इस मजदूर की 9 साल सर्विस थी, लेकिन इसका अभी तक कार्ड नहीं बना था। यह मैन महमूद नामी ठेकेदार कमीशन पर चला रहा है। मजदूरों की सेफ्टी का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, ना ही कोई अस्पताल ले जाने के लिए मौके पर मुनासिब इंतज़ाम। वही रवायती तरीके से 3 घंटे के बाद इस मजदूर को नीचे लाया गया और रेस को 1122 ने इसको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन वक्त ज़ाया होने और ज़्यादा खून बह जाने की वजह से गुल हसन जांबर ना हो सका। हम कई माह से हुकूमत वक्त और तमाम मैन मालकान से ये मुतालबा कर रहे हैं कि कम से कम एक एम्बुलेंस तो इन मजदूरों के लिए ख़रीद लें, लेकिन बदकिस्मती से न हमारी बात महकमा माजिनात वालों ने मानी और ना ही मैन मालकान ने, और ना ही हमारे इस कट्ठा अराड़ा सेक्शन में किसी किस्म की कोई एम्बुलेंस मौजूद है। अब इन मजदूरों को फैसला करना है कि हर माह लाश उठानी है या कि अपने हक के लिए आवाज़ उठानी है। कमीशन पर चलने वाली तमाम मैन पर किसी किस्म की सेफ्टी का कोई बंदोबस्त नहीं है। महकमा मादनियात के अफसरान खुशाब दफ्तर से हर माह अपनी मंथली लेकर वापस चले जाते और तकरीबन 30 घंटे गुजरने के बावजूद अभी तक ना कोई कार्रवाई अमल में आई है और ना ही खुशाब के किसी मीडिया ग्रुप ने इस खबर को शेयर किया। मुतलका थाने से मालूमात ली गई तो इनको भी इसके बारे में अभी तक कोई इलम नहीं है कि यह वाक़ कब और कैसे हुआ। हमारी आला हुकाम से अपील है कि इसके बाद का नोटिस लें। महकमा मादनियात के जिन अफसरान की गलती की वजह से आए रोज़ ये मैन में एक्सीडेंट हो रहे हैं, इनको इसका जिम्मेदार ठहरा कर इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और मेरी अपनी मजदूर भाइयों से भी एक अपील है कि रिजक मेरे अल्लाह पाक ने देना है, इन लोगों ने आपको नहीं देना। आज गुल हसन ने जान की बाजी हारी है, वक्त ज़ाया होने और खून बह जाने की वजह से कल आपकी बारी होगी। अपने हक के लिए हमारा साथ दें, हम बनेंगे आपकी आवाज़। देखते रहे डी के न्यूज़। जी राजा मुश्ताक, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें जिला खुशाब की ताज़ा तरीन खबरों से आगाह किया। नाज़रीन, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आप हमारे चैनल को यूट्यूब और फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हैं। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहें डी के न्यूज़। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद।